दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजर इस वक्त चंद्रयान 3 पर लगी हुई है। बेंगलुरु के नेहरू तारामंडल के सीनियर साइंटिस्ट आनंद एम वाई ने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को आसान तरीके से समझाया कि चांद पर तमाम चुनौतियों के बाद भी चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम किस तरह से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और कैसे उसका रोवर बाहर निकलेगा। ये लैंडर जो अभी तक अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ है, ये सॉरी अबाउट 25 किलोमीटर्स आल्टीट्यूड में है। इस तरह चलते चलते हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को डिक्रीज करके ऐसा टिल्ट करेगा। ये टिल्ट करने के बाद और दूसरा स्टेज में ऐसा स्लो डाउन होगा। स्लो डाउन होके अबाउट 0 किलोमीटर्स 2 किलोमीटर्स आल्टीट्यूड में 0 किलोमीटर अचीव होगा, वेलोसिटी 0 किलोमीटर अचीव होगा। बाद में स्लोली इट विल गो एंड इट विल लैंड इन द ऑन द मून। क्या उम्मीद है आपको कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसके लैंड सॉफ्ट लैंडिंग की क्या उम्मीद है आपको? हम तो उम्मीद करते हैं इस बार कामयाबी होगी। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन का लूनर फेज पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करते हुए क्रैश हो गया था। लैंडर में ब्रेकिंग सिस्टम में आई खराबी की वजह से ऐसा हुआ था। चंद्रयान 3 को लेकर 100% सफलता की गारंटी है क्योंकि इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पिछले मून मिशन से कई सबक हासिल किए हैं। इंडियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 2 की गलतियों को सुधार कर तीसरा मून मिशन भेजा है। चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए हैं। अब समझिए कि चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग के अनुभव के बाद भी चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर वैज्ञानिक पूरी तरह निश्चिंत क्यों हैं। चंद्रयान 3 में चांद पर लैंड होने के लिए स्पेशल सेंसर कैमरा लगाया गया है। चंद्रयान 3 को लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन और अवॉइडेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 में सिर्फ एक ही कैमरा था जबकि चंद्रयान 3 में 2 स्पेशल कैमरे फिट किए गए हैं। इस बार विक्रम लैंडर के लेग्स यानी पैरों को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसके अलावा लैंडर की स्पीड को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर प्रति सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि लैंडिंग के दौरान 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर भी लैंडर क्रैश नहीं होगा। चंद्रयान 3 में लैंडिंग के लिए नए सेंसर जोड़े गए हैं। विक्रम लैंडर में ज्यादा फ्यूल डालकर भेजा गया है। चंद्रयान 2 को लैंडिंग के लिए 500 मीटर बाय 500 मीटर के दायरे की पहचान करने की क्षमता के साथ भेजा गया था। इस बार चंद्रयान 3 मिशन 4 किलोमीटर चौड़े और 2.5 किलोमीटर लंबे एरिया में लैंडिंग के लिए सबसे अच्छी जगह की पहचान कर सकता है। चंद्रयान 3 चाहे किसी भी तरह से लैंड करे, इसे हर एंगल से एनर्जी देने के लिए अलग से 16 पैनल लगाए गए हैं। इसरो ने इसकी लैंडिंग को हेलीकॉप्टर और क्रेन के जरिए टेस्ट किया है। चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग से सबक लेते हुए इस बार चंद्रयान 3 में सबसे बड़ा बदलाव थ्रस्टर इंजन को लेकर किया गया है। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन यानी थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। 5वां इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन किसी भी तरह की इमरजेंसी के दौरान काम में लाए जा सके। इतने सब के बाद भी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में लैंडर की स्पीड को थामे रखना सबसे बड़ी चुनौती है। लैंडिंग के आखिरी चरण में 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर को लैंड कराने के 19 मिनट सबसे ज्यादा जोखिम भरे होंगे। अब समझिए कि खतरे से भरे इन 19 मिनट के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने क्या तैयारी की है और इन 19 मिनट्स में क्या क्या हो सकता है। चार फेज में चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। शाम 5:45 पर शुरू होगा पहला चरण। पहला फेज रफ ब्रेकिंग, इस दौरान लैंडर की स्पीड कम होगी। स्पीड कम करने के लिए 400 न्यूटन फोर्स के साथ 4 इंजन फायर किए जाएंगे। दूसरा फेज एल्टीट्यूड होल्ड, इसमें 740 न्यूटन फोर्स के साथ 4 इंजन फायर होंगे। तीसरा फेज फाइन ब्रेकिंग,
इस फेज के आने तक लैंडर चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच चुका होगा। लैंडर की स्पीड तकरीबन शून्य हो जाएगी। चौथा फेज टर्मिनल डिसेंट, जब ऊंचाई चांद से सिर्फ 10 मीटर होगी तब लैंडर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर की बनावट ऐसी है कि उसका एक पाया 2 मीटर ऊंची चट्टान पर पड़ जाए तो भी वो असंतुलित होकर ढह नहीं जाएगा। फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जमीन जितनी समतल मिलेगी लैंडर और रोवर की सुरक्षा के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए चांद पर लैंडिंग करते समय लैंडर अपने खास सेंसर्स और कैमरों की मदद से पहले सबसे बेहतर जगह तलाशेगा, उसके बाद अपनी गति को लगभग शून्य कर देगा, फिर इसके चारों पाए चांद पर रुक जाएंगे। मिशन चंद्रयान को लेकर पूरे देश में इस बार उत्साह है, उत्सुकता है और लोगों को उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस बार ये मिशन सफल होगा। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भी लोग जरूर जानना चाहेंगे और उन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर पी के घोष मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल तो यही सर कि जो लैंडिंग के आखिरी 19 मिनट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, आखिर क्या ऐसा उस 19 मिनट के लिए होता है कि उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोग शायद अपनी धड़कनें थाम के बैठेंगे? ये मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे भी जो लैंडर जो है वो ऑटोमेटेड है, जो भी उसके अंदर फीड किया गया है वो करेगा और ये फुली अपना ही AI के माध्यम से वो डिसीशंस लेगा और वो लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। कि ये जो चल रहा है ये स्पेस क्राफ्ट, ये अभी हॉरिजॉन्टल है, अभी उसको मनूवर करना है वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली तो लैंड नहीं कर पाएगा, वर्टिकली आएगा। ये एक बहुत डेलिकेट मनूवर है जिसे करना है, जो होगा और फिर उसके बाद ये लैंड। विक्रम लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग कराना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सुरक्षित लैंडिंग के यही 19 मिनट वैज्ञानिकों की सांसें अटका कर रखेंगे। इस बार वैज्ञानिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इस बार चांद के 10 मीटर करीब पहुंचते ही चंद्रयान की स्पीड 1.68 मीटर प्रति सेकंड रखी जाएगी। लैंडिंग के दौरान स्पीड को मापने के लिए यान में लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर लगाया गया है। सॉफ्ट लैंडिंग को 100% सफल बनाने के लिए इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग के एल्गोरिदम में बदलाव किया है। अगर किसी वजह से तय जगह पर लैंडिंग नहीं हो पाई तो चंद्रयान 3 को किसी दूसरी जगह पर उतारा जा सकता है। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर तैयारी चंद्रयान 2 से उलट तरीके से की गई। इसे फेल्योर बेस्ड मॉडल कहा जाता है, यानी किन किन स्थितियों में क्या क्या चीजें खराब हो सकती हैं, ऐसी आशंकाओं को सामने रखते हुए सारी तैयारियां की गई है। चंद्रयान 3 की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है। हैरानी की बात है कि ये चंद्रयान 2 में लगे बजट से भी 30% कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में घूम रहा है और कामयाब है, इसलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे मिशन में कुल खर्च पहले से कम हो गया है। TV9 भारतवर्ष के दर्शक लैंडिंग का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। इसके अलावा इसरो की वेबसाइट्स isro.gov.in और इसरो के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण होगा। लैंडिंग से पहले चंद्रयान चंद्रमा के बहुत करीब पहुंच गया है। चंद्रयान लगातार चंद्रमा के नए वीडियो और तस्वीरें भेज रहा है। अब देखिए चंद्रयान की भेजी सबसे नई तस्वीर।